इस सेवक राम नाम के सेवक के हाथों आपको सारी जनता का नमस्कार। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। भाइयों और बहनों, जिंदाबाद हम नहीं, जिंदाबाद रखना है हमें हमारी जनता को, इस देश में जीने वाले सच्चे कानून को, सुहागनों के सुहाग को, माँ के बच्चों को, बहनों की इज्जत को जिंदा रखना है हमें, जनता की खुशियों को। हमें सिर्फ कहना ही नहीं है बल्कि करके दिखाना है। अगर हम आपसे ये कहें कि आप लोग हमें वोट दीजिए और बदले में हम आपके नलों में पानी की जगह दूध बहा देंगे, तो वो नेता झूठा है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि नलों में सिर्फ पानी ही बह सकता है। अगर हम ये कहें कि हम आप लोगों की गरीबी दूर कर देंगे, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इस देश की गरीबी उसी वक्त मिट सकती है जब इस देश का हर अमीर अपने घर में गरीब की बेटी को ब्याह कर लाएगा, अपनी बहू और बेटी की जगह देगा। ये गरीबी तभी मिट सकती है। गरीबी मिटाने के लिए हर अमीर को आगे बढ़कर गरीबों को गले से लगाना होगा। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी नहीं, जनता जिंदाबाद। दुर्गा देवी वाह, क्या जबरदस्त तकरीर की है आपने। आपने तो अपने शब्दों से यूं समझिए कि सारी वोटें आपने डब्बे में डलवा ली हैं। बसा सेवक राम, जनता भोली भाली होती है, गरीबों के दिलों से खेलना बहुत आसान होता है। मीठे मीठे चंद शब्दों के कुछ कतरे शहद की तरह टपका दो, गरीब तुम्हें जिंदगी भर सलाम करेंगे। आज जिस तरह ये कांच की दीवार नेता और जनता के दरमियान है, कल इसी तरह जब हम विधानसभा में होंगे वहाँ ईंटों की दीवार होगी। आज भी ये क्या कह रहे सुनाई नहीं दे रहा, कल भी सुनाई नहीं देगा। यही राजनीति है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। आहा, वाह दीदी वाह, तू भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लोगों के सामने क्या क्या फेंकते हैं। पता नहीं तेरा ये ख्वाब पूरा भी होगा या नहीं। हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या हो गया? अरे धर्म पत्नी, तुम्हारे स्नान के लिए बाथरूम में पानी गर्म हो गया। श्याम सुंदर? अरे अब काहे का श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की सुंदरता की तो उसी दिन दशा हो गई थी जिस मनहूस घड़ी में वो इस घर में दामाद बनकर आया था। अब तो नहीं रह गया कोई मेरा मकाम, सुबह से शाम तक है मुझको घर का काम, और इसी तरह हो जाएगी मेरी जिंदगी तमाम। सुबह सुबह ये सड़ी हुई कविताएं सुना के मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना नहीं मुझे है जी। अरे बंद करो अपनी ये घटिया कविता और ध्यान से सुनो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए ना, उसके मैचिंग के जूते भी निकाल के रखना समझे, वरना उन्हीं जूतों से मार मार कर तुम्हारी कविता भुला दूंगी। मैं तो इस घर में पति बनकर आया था, मैं तो पत्नी बनकर रह गया। जो खिल सके ना वो भूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। अरे ओ सड़िया कविराज, लगता है कविताएं गागा कर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ धर्म पत्नी? ये देखो, ये कुत्ती के नहाने का साबुन तुमने मेरे नहाने के लिए रखा है। ओ शट अप, जाओ और जाकर दूसरा साबुन ले आओ। सठिया क्या, अरे साबुन बनाने वालों को आजकल इंसानों और कुत्तों में फर्क ही नजर नहीं आता। हे भगवान, कहां फंसा दिया मुझको अमीरों के बाजार में। बड़ी साली को पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, छोटा लड़कियों के पीछे है और बड़ा बिजनेस में बिल्डिंगों के पीछे है। मिस्टर साठे, बिजनेस में वही लोग ऊंचाई पर होते हैं जिनकी सोच में ऊंचाइयां होती है। मगर सर, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैनेजर साहब, आप मिट्टी की जमीन पर हमेशा नोटों की इमारत देखना चाहते हैं, मगर कुछ सौदे जज्बात के भी होते हैं।
जहां फायदे और नुकसान की कोई अहमियत नहीं होती। सर मैं समझा नहीं। यह उस बिल्डिंग की तस्वीर है जो मेरे स्वर्गीय पिताजी की सबसे बड़ी तमन्ना थी, जो उनके जीते जी तो पूरी ना हो सकी, जिसे अब मैं पूरी करूंगा। सर इस कंपनी के सारे प्लान, हिसाब किताब के सारे पेपर्स दुर्गा जी के टेबल से पास होकर जाते हैं, और उनकी मर्जी के खिलाफ। वैसे भी माताजी और आपके बीच छोटी मोटी गलत फहमियां हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हेलो, यस, कौन मिस्टर साठे? गुड मॉर्निंग दुर्गा जी। गुड मॉर्निंग। रवि से कहना कि आज शाम को 6 बजे क्लार्सन एंड टोबरो में हमारी खास मीटिंग है, हम वहां नहीं जा पाएंगे। उस मीटिंग में वो चला जाए, वरना हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, और हमें नुकसान पसंद नहीं। ओके रवि साहब, आज शाम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? माँ जी ने किसी अर्जेंट मीटिंग में जाने का हुक्म दिया है? यस सर। मिस्टर साठे, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वादे और जबान का बहुत पक्का आदमी हूँ। आज शाम 6 बजे मैं वहीं जाऊंगा जहां मैंने जाने का वादा किया है। के पायल जान
नमस्ते जी। नमस्ते। आप? मेरा नाम सुंदर साठे है। आपके प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रवि वर्मा का मैनेजर हूँ मैं। साहब को एक जरूरी मीटिंग से बाहर जाना था। अच्छा। तो उन्होंने आपकी संस्था के नाम ये 1.5 लाख का डोनेशन चेक और आपके लिए गुलदस्ता भेजा है। थैंक यू। ये रवि साहब का कार्ड है। उन्होंने कहा है आपको कभी भी कुछ भी काम हो बिला झिझक फोन कर सकती हैं। हेलो सर, वो लड़की आ गई है। कौन? उषा। उसे जल्दी से अंदर भेज दो। ओके सर। देखिए आप अंदर चले जाइए। कम इन। मैंने अपना कार्ड भेजा था, लगता है इसीलिए यहां पहुंच गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपने पता दिया था तो मुश्किल कैसी। बैठिए। थैंक्स। मैं फिक्रमंद था कि आपको मेरा एड्रेस मिला भी है या नहीं। मिलता कैसे नहीं, आपने अखबार में टाइपिस्ट के लिए इतना बड़ा इश्तेहार जो दिया था। ओ, मतलब आप इश्तेहार देकर रही हैं? जी। नौकरी के लिए? जी हाँ, ये रहे मेरे क्वालिफिकेशंस। अरे रे, इसकी क्या जरूरत है, समझिए आपको नौकरी मिल गई, बल्कि आप अभी से काम शुरू कर सकती हैं। थैंक्स। उषा, प्लीज कम इन। यस सर। पांडू, लगता है मामला गड़बड़ है, जरा देख तो सही। कल उसके प्रोग्राम में गए, आज ही इंटरव्यू और आज ही नौकरी। पुन्ना, क्या हो रहा है अंदर? उषा, लेकिन हमारी शादी इतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं। उषा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं आज ही हमारी शादी के बारे में मां से बात करूंगा। मतलब
आपको मेरा और उषा का रिश्ता पसंद नहीं है। रवि बेटे, हमारी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी टाइपिस्ट हमारे घर की बहुरानी बने, हमारे सामने झुकने वाला सर हमारे सामने नजरें मिलाकर बात करे, नहीं रवि बेटे, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये गलती तुम्हारी माँ के साथ शादी करके तुम्हारे पिता ने भी की थी। रवि बेटे, ये मत सोचो कि हम तुम्हारी सौतेली माँ है और तुम्हारे अरमानों का गला घोंटना चाहते हैं। दरअसल हम अपने पति की इज्जत का गला घोंटते हुए नहीं देख सकते। हमारी बात को गौर से सुनो। जिन्हें आसमान की तरफ देखकर चलने की आदत होती है, वो जमीन पर पड़े हुए कचरे की तरफ नहीं देखते। देखो बेटे, उषा को दुर्गानिवास की बहू बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। श्याम सुंदर, बुरा मत कहो जी, बुरा मत देखो जी, बुरा मत सुनो जी। बंद करो ये कविताएं। जानता हूँ जानता हूँ, आप पॉलिटिक्स वाले लोगों को कविताएं अच्छी नहीं लगती हैं। जानते हो, कल रात से किरण घर नहीं आया। कल रात से नहीं, पूरी तीन रातों से, तीन रातें और चार दिन और तीन और चार आठ, पता नहीं आपका बेटा कहाँ 9-2-11 हो गया है।